सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्टेक्स। और आप लोग यहां पर देख सकते हो, मैं शेयर ट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूं। शेयर ट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद सबसे पहले आप सभी लोगों को यहां पे ऊपर में देखने को मिल जाएगी लोकेशन की ऑप्शन, इस पे आप लोगों को क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सर्वर्स मौजूद हैं जो कि आप लोग फ्री में ईजिली यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग कंट्रीज़ की सर्वर्स देखने को मिल जाएंगी, अलग अलग कंट्रीज़ की, अलग अलग स्टेट की सर्वर्स मौजूद हैं। आप यहाँ पे फ्री पे देख सकते हो, फ्री में यूज करने के लिए ऑप्शन भी है। जैसा कि अगर आप लोग चाहते हो यूएस के चिकागो स्टेट की सर्वर को यूज करना, तो आपको करना क्या है, बस यूएस चिकागो पे क्लिक करना है, एक बार क्लिक करना है, ऑलवेज अलाउ पे एक ही बार क्लिक करके परमिशन दे देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो वीपीएन है वह कनेक्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। फाइनली यहाँ पर मेरा जो वीपीएन है वह कनेक्टिंग होना स्टार्ट भी हो चुका है और कनेक्ट भी हो चुका है, जहाँ पर डाटा अपलोड स्पीड और डाटा डाउनलोड स्पीड दोनों से हो रहा है। इसी के साथ दोस्तों, अभी आप यहां पर देखेंगे कनेक्टेड का ऑप्शन शो हो जाता है, जिससे ये पता चलता है कि मेरा वीपीएन यूएस के चिकागो स्टेट के सर्वर से जाकर कनेक्ट हो चुका है। नीचे में आप लोगों को दो ऑप्शन मिल जाती है, बूस्ट और रिपेयर का ऑप्शन। अगर आपको जो स्पीड है वह स्लो मिल रही है तो बूस्ट पे क्लिक करके इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हो। अगर आपको जो वीपीएन है वह काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, तो रिपेयर पे क्लिक करके इसे रिपेयर कर सकते हो। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि फिर से रिपेयर हो रहा है और फिर से यहां पर ऑटोमेटिक कनेक्ट होगा। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोग को थोड़ी बहुत एड्स वगैरह देखने को मिल सकती हैं, फ्री एप्लीकेशन है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो रिपेयर हो चुका है, अच्छे से काम करेगा। और मैं आप लोगों को बूस्ट करके दिखाता हूँ। बूस्ट पर मैं क्लिक करता हूँ और इसकी स्पीड को इंक्रीज करता हूँ। तो यहाँ पे अभी बूस्टिंग हो रही है और बूस्टिंग भी हो चुकी है। फिर से यहाँ पे एड्स आ चुका है, मैं काट देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखोगे तो हमारा जो वीपीएन है वो यूएस के चिकागो स्टेट से कनेक्ट हो चुका है। अब मेरे को डिसकनेक्ट करना है क्योंकि मेरा जो वर्क था वो ख़त्म हो चुका है। तो मेरे को डिसकनेक्ट करना होगा, तो मैं इसी पे क्लिक करूँगा जो आप लोगों को यहाँ पर सर्कल सा ऑप्शन मिल रहा है ग्रीन कलर का, इस पर आप लोग क्लिक करिएगा और डिसकनेक्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। इतना करने के बाद आपका जो वीपीएन है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर डिसकनेक्ट का ऑप्शन आ जाता है और आपको यहाँ पर शो हो जाता है कि मेरा जो वीपीएन है वो डिसकनेक्ट हो चुका है। दोस्तों, ये जो शेयर ट्यूब वीपीएन ऐप है बहुत ज़्यादा इजी है और इस आपको अच्छे कामों के लिए यूज़ कर सकते हो। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। आप लोग इस वीडियो को देखने पर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ मत कीजिएगा। लेफ्ट साइड की कॉर्नर पर आप देख सकते हो यहाँ पर थ्री लाइन, इस पर क्लिक करते हो यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलती है। फीडबैक एंड सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है, टेल योर फ्रेंड को ऑप्शन मिल जाता है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आई होप दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर डाउनलोड भी कर सकते हो। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, उससे पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।